नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कल के बाजार के आउटलुक के बारे में। आज देखेंगे तो बैंक निफ्टी काफी ही वीक रहा। निफ्टी में थोड़ा बहुत हेल्थ केयर, ऑटो और अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक ने जान बचाए हैं। और आज की कैंडल भी देखेंगे तो बुलिश कैंडल ही दिखी है। इस समय मैं कहता हूं कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो थोड़ा कॉशन बरते, ये ऑप्शन बायर का बाजार नहीं दिख रहा है। मैं अगर पर्सनल ट्रेड करता हूं तो काफी छोटे छोटे पॉइंट्स लेने की कोशिश करता हूं बजाय कि अपने पैसे गवाने के। इस समय ऑप्शन बायर को ट्रेडिंग करने में काफी मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण मैं पर्सनली भी आपको इस समय ट्रेड सजेस्ट नहीं कर पाता हूं। यहां अगर आज के चार्ट को ही देखेंगे, 5 मिनट के चार्ट को मैंने ओपन करा, पहला रेंज बना और इसके बाद इसने रेंज को ब्रेक डाउन करा। पहला अर्ली ट्रेड जिसका भी रहा होगा, जिसका भी अर्ली ट्रेड रहा होगा पी का, उसने तो ठीक ठाक प्रॉफिट बुक किए होंगे, क्योंकि यहाँ के ट्रेड ब्रेकडाउन पे मान लीजिए ये टारगेट रहा होगा, उसने तो पैसे बनाए होंगे। लेकिन फिर जो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, इसको बाइंग करना काफी मुश्किल था। जिसने यहाँ कहीं ऑप्शन बाइंग कॉल करा होगा कि चलो फिर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, उसके पैसे गए। यहाँ पे जिसने कॉल लिया उसके पक्का ही एसएल यहाँ पे कहीं एसएल हिट होते दिखा होगा। तो मान लीजिए कि पहला पुट जिसने प्रॉफिट किया उसने दूसरे कॉल में पैसे गवा दिए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम लो पे लेंगे, ऐसा बहुत कम होता है। और उसके बाद जिसने इस पुट को खरीदा और उसने एग्जिट नहीं करा कि एक बड़ा टारगेट लूंगा, उसके भी एसएल गए। इसके बाद फिर एक पुट आया, यहाँ पे जिसने लिया गया रे ये तो पुट मिस हो गया, यहाँ पे पुट खरीदो, उसके भी एसएल गए। यहाँ पे जिसने मेनली पैसा कहाँ बना, यहाँ जिसने कॉल लिया और यहाँ जिसने कॉल लिया, ये दो पैसा जो है क्विक मनी बनते दिखा। क्योंकि ऑप्शन में क्या है कि अपने को एक फास्ट ट्रेड चाहिए। अगर ऐसे कर करके अगर ट्रेड मिलता है ना एक्सपायरी के दिन, तो डीके ज्यादा होता है। ऐसे ट्रेड मिलता है तो डीके ज्यादा होता है। या तो इस प्रकार के ट्रेंड चाहिए या इस प्रकार के ट्रेंड चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा इस समय कौशन रहें और खुद के नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करें। हालांकि आज का जो ट्रेंड रहा है वो एक तरीके से देखेंगे तो हायर हाई हायर लो रहा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड माना जाता है। इसीलिए कल को भी मैं बुलिश ही हूं, बुलिश हूं, और क्या टारगेट होगा उसको समझेंगे। क्योंकि एक रिजेक्शन हुआ है 2160 का, तो इसके ऊपर ही कॉल बाइंग करेंगे। और नीचे यहां देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन है और नीचे का ये एक सपोर्ट है। तो 21 ये लेवल आप समझे कि ये एक डिमांड का काम करने वाला है। तो अपर साइड 2160 के ऊपर का ब्रेकआउट, 2190 पहला टारगेट, 2120 दूसरा टारगेट और 20250, ये तीन टारगेट हमको दिखेगा। कब? जब या तो इस रेंज में कहीं ओपन हो, इस रेंज में कहीं ओपन हो और यहां से ब्रेकआउट करे, या 20160 के ऊपर के ही गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू करे, ताकि आप 2016 के जीरो के एसएल को आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहला हमने क्या कहा, इसके ऊपर का गैप अप ओपनिंग या फिर 21020 और यहां कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट। तो पहला ट्रेंड जो है 2016 के ऊपर ही हमने कहा, जहां से तीन टारगेट दिए, ये तीन टारगेट आएगा। एक रिवर्सल पुट के कॉल के बाइंग को भी ध्यान देंगे, क्योंकि बाजार स्ट्रांग है, ये ट्रेंड लाइन है और 2100 के नीचे भी ये जो लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ कॉल का ही बाइंग आपको दिख सकता है। ये जो लेवल है 2080 और 20100, ये लेवल आपको 40 तक के लेवल्स, ये लेवल्स आपको इजिली दे सकता है। और तीसरा जो लेवल फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे 20020, ये कॉल जो है आपको 60 तक के लेवल्स लेकर के आएगा। यानी कल कॉल का पोटेंशियल लेवल कहां कहां होगा देखेंगे। 20160 पे पहला कॉल फाइंड आउट करेंगे, दूसरा कॉल अपर साइड 20200 और 220 के आसपास। नीचे के तरफ जो मुझे बाइंग दिख रहा है वो दिख रहा है 20080 और 2100 के 2100 के आसपास का लेवल। ये पहला जोन है, ये दूसरा जोन है, ये तीसरा जोन है, और उसके बाद इन वर्स्ट सिनेरियो 20020।
ये तीन कॉल के लेवल आपको, चार कॉल के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब पुट के लेवल्स कहाँ दिखेंगे उस चीज को समझे। क्योंकि यहां से रिजेक्शन हुआ है और ये एक ट्रेंड लाइन है, तो या तो कल इसके नीचे 20120 के नीचे की ओपनिंग हो, यहाँ कहीं ओपनिंग हो और 20,100 को ब्रेक डाउन करे, इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, तो पहला जो आपका टारगेट है 20060, ये टारगेट आप पहला फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कब? या तो 20,100 के नीचे की ओपनिंग हो या फिर यहां ओपनिंग होने के बाद पहला ही रेड कैंडल बने और इसके बाद 20,100 को ब्रेक डाउन करे। अगर ये 20,120 के ऊपर है तो बिल्कुल ही कॉल को ही फाइंड आउट करेंगे, पुट को इग्नोर करेंगे। ये कब लेंगे? 20,100 के नीचे ही, जहां 20,060 तक का लेवल्स हमको दिखेगा। उसके बाद दूसरा लेवल जो फाइंड आउट करेंगे वो 60 के नीचे, ये एक सपोर्ट है और ये सपोर्ट 20,060 के नीचे के ब्रेकडाउन पर ही मिलेगा, जो पोटेंशियली यहां तक के 20,020 तक का लेवल्स लेकर के आएगा। और 20,020 ब्रेकडाउन हुआ तब एक बड़ा गैप डाउन आपको दिख सकता, एक बड़ा डाउन ट्रेंड दिखेगा। पुट के लेवल कहां फाइंड आउट करेंगे? पहला 20,100 के नीचे, दूसरा 20,060 के नीचे और तीसरा 20,000 के नीचे। ठीक है, ये डायरेक्शनल ट्रेड हुआ। अपर साइड 20,220 और 250 पे पुट को लेंगे, जो 20,200 के नीचे लेकर के आएगा। आई होप कि आप इस वीडियो को सिंपली समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा आज कॉम्प्लेक्स हो गया है, कल से कोशिश करूंगा और भी इसको सिंपली डिस्कस करने के। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक रहा, अर्ली मॉर्निंग से ही बैंक निफ्टी यहां देखेंगे तो गैप अप के बाद जो सेलिंग आई, उस सेलिंग के बाद एक कंसोलिडेट रेंज में ही रहा, ब्रेकआउट करा लेकिन वो फेल रहा। तो कल यहां देखेंगे एक कंसोलिडेट जोन में है और कॉल की बाइंग जो है 44,620 के ऊपर ही लेंगे, जहां पहला टारगेट ये जो लेवल आपको दिख रहा है 44,740, 44,840 और 44,980 प्लस तक का दिख सकता है। अगर इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करे तो कॉल लेने से बिल्कुल बचेंगे। पहला लेवल हमने क्या कहा? 44,620 के ऊपर, इसके ऊपर या तो यहां कहीं खुले या इसके ऊपर खुले और इसको ब्रेकडाउन नहीं करे तो इस जोन को फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा यहां से ये मुझे लगता है कि एक जैकपॉट ट्रेड होगा। और तीसरा ये एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट के आसपास के लेवल को एक फाइंड आउट करेंगे। मैं तीन पोटेंशियल लेवल बता देता हूं। पहला 44,620 के आसपास कॉल को, कब? या तो इसके बीच में खुल के ब्रेकआउट करे या इसके ऊपर खुल के इसको ब्रेकडाउन नहीं करे। दूसरा 44,720 40, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है तो ये मल्टीपल एसएल होगा और ये एसएल ब्रेकआउट होगा तो ये 45,000 तक का लेवल्स भी दिख सकता है। ये दो लेवल नीचे देखेंगे तो 44,000 यहां देखेंगे, 260 और 300 के आसपास कॉल को फाइंड आउट करेंगे, जो 44,500 तक लेवल्स लेकर के आएगा। अब पुट को देखेंगे कि आखिर पुट का क्या ट्रेंड दिख सकता है। यहां से ये एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन काफी इंपॉर्टेंट है पुट के लिए, तो 44,400 के नीचे ही पुट को फाइंड आउट करें, जहां 44,320 ये पहला टारगेट आएगा क्योंकि ये भी सपोर्ट है। दूसरा टारगेट देखेंगे तो 44,180 के आसपास का और तीसरा टारगेट 44,220-80 का। ये तीन डायरेक्शनल टारगेट 44,400 के नीचे, और अगर ये 600 को ब्रेकआउट कर देता है तो 44,860 और 45,020, ये दो रिवर्सल ट्रेड को भी फाइंड आउट करेंगे। कल मैं कुछ ट्रेवल पे था, किसी फंक्शन में था, इसको लेकर के वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन उससे पहले हमने कहा था कि इस कंसोलिडेट में अगर 44,100 के ऊपर जाता है तो ये रैली 44,600 तक लेकर के जाएगा। परसों के वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा। और एक स्टॉक हमने आपको लास्ट टाइम कहा था, नवकार कॉरपोरेशन, शायद आपको याद हो। तो नवकार कॉरपोरेशन के जितने भी बायर हैं वो चाहें तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक हेल्दी ट्रेंड आपको दिख चुका है और ये ट्रेंड जो है अनस्टॉपेबल ट्रेंड रहा। और हमारा 62 के आसपास का बाइंग था, यहां से देखेंगे तो लगभग 50% की रैली दिखी। तो आप चाहें तो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।